जादूगर स्वाति आई है अभी अभी कैसे आई तुम्हें बताइए बता दे उसका मर्जी उसका घर जी तुम कह रही है उसकी मर्जी उसका घर ये भी बात ठीक है उसका मर्जी सिलेंडर होता है उधर अब ये पागल हो जाएगी बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाती है बिल्कुल जैसे पागल 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 की माँ हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग तो भाई चलो एक बार सब्जी वगैरह बना लूं क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी पे और चीनू अभी सो रही है तो चीनू को भी उठाऊंगी मैं पहले मैं बनाऊंगी सब्जी आज मैं बनाऊंगी सब्जी आलू मटर की तो भाई सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है और आज मैंने मक्खन भी निकाला है ये देखो मक्खन घर का प्योर बिल्कुल तो भाई आप सब भी ना घर पे मक्खन निकाला करो डब्बे का मत खाया करो डब्बे के में स्वाद नहीं है घर वाले मक्खन में बिल्कुल मतलब ओरिजिनल स्वाद आता है बिल्कुल देसी घी दानेदार मैं तो घर पे ही बनाती हूँ काफी दिनों से जब से मुझे पता चला है कि भाई घर पे भी बन जाता है और बनाने का वो जो तरीका है वही मलाई वगैरह उतार के और उसको स्टोर करके और फिर उसका मक्खन बना लो वैसे तो आप लोगों को पता ही है बताने की जरूरत नहीं है पर फिर भी बता रही हूँ चीनू का आराम नहीं हुआ दवाई से खुराक लिए पेपर भी है उसका तो शाम तक आराम हो जाएगा दवाई ले ली बाय तो गाइस अभी मैंने नारियल भी लिए हैं और अभी मैं तरबूज भी ले रही हूँ भैया काट के देना 4 किलो काट के देना मीठा होना चाहिए बिल्कुल काट के दूंगा तो भाई आज यहाँ ऑफिस की फिर से सफाई की है और बाहर के जो पत्ते वगैरह थे वो भी सब मैंने उठा दिए हैं तो बहुत सही हो गए यहाँ से लेकिन पत्ते ना डेली झड़ते हैं तो मतलब डेली गंदा ही हो जाता है लेकिन फिर भी मैंने बहुत साफ किया है यहाँ से तो ये देख लो गाइज यहाँ पे कितने पत्ते वत्ते थे ना तो ये आज साफ किए हैं और ये वहां तक बस वो थोड़े से बचे हैं और ये वाला पूरा एरिया यहाँ से और वहां तक अब बढ़िया लग रहा है लेकिन देखो अभी अभी साफ किया था और अभी अभी देखो फिर नीम के वही पत्ते इतने सारे झड़ गए तो भाई ये होता है कोई नहीं हो जाएगा धीरे धीरे साफ अब इसकी भी क्या ही टेंशन लेनी हो जाएगा पत्ते हैं भाई झड़े तो गए ही पंखे वंखे बंद कर देती हूँ अभी पंखे चल रहे हैं ये भी बंद कर देती हूँ मम्मा पूरे बेड पे आपने अपने कपड़े फैला रखे मेरे मैंने तय भी करे हैं तो स्वाति के हैं ये सारे आपके हैं ये चादर मैं पहनती हूँ दिखाई दे ये चादर है मेरे ये कपड़े हैं तो ये तो सारे फैला दिए तो उठाऊ नहीं आधे दो भी तेरे वहाँ बचे हैं वो भी मैं उठाऊंगी मेरे है भी नहीं है भैया के है भैया की क्यों तेरी एक पैंट भी है नहीं है ये हुई तो ये किसकी है मेरी नहीं है अच्छा तेरे को तो बस बोलने से मतलब रहता है कुछ ना कुछ बोलूंगा मैं पागल तो है मेरे पास मुंह है तो बोलूंगा मेरे पास नहीं है पता नहीं फिर मुझको मुझे अपना पता है इन वाले गुलाब के भी वो वीडियो बना सकते हैं ना बना सकते हैं दो तीन चार खिलने वाले हैं लेकिन वो एक साथ खिलेंगे एक साथ ही खिलेंगे देखो तो ये कब हाँ ये कल खिलेंगे फिर है ना कल क्यों रात तक खिल जाएंगे लगा दे बाद में लगाएंगे अच्छा दिन में नहीं खुलते क्या पता नहीं शायद नहीं यहाँ खुला है तो खोल के गई है मैं वही तो कह रही अभी तो मैं बंद करके गई हूँ जादूगर जादूगर ऐसे रखूँ या कैसे ही रख दो नहीं वो पढ़ाई पढ़ने में आना चाहिए ना आ रहा है पढ़ने में नहीं ऐसे ही कर दो ऐसे मैं तो यहाँ पे आती हूँ जब मैं बोर होती हूँ और आके ऐसे इन सोफों पे ऐसे पढ़ जाती हूँ मैं मार्केट में आई थी मेरे को कुछ सामान लेना था तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ देखते हूँ यहाँ मिलेगा या नहीं तो भाई स्वाति आई है अभी अभी कैसे आई तुम्हें बताइए बता दे उसका मर्जी उसका घर जी तुम कह रही है उसकी मर्जी उसका घर ये भी बात ठीक है उसका मर्जी उसका मर्जी उसका घर ठीक है तो वो तो बात ठीक है घर तो तेरा ही है और मर्जी भी तेरी चलेगी मैं तो वैसे पूछ रही हूँ तो अचानक से आ गई सुबह सुबह ना बैंक काम है अच्छा तो काम करके और चली जाऊंगी ठीक है भाई हाफ पे मतलब 2 घंटे की मोहलत लेके आई हूँ अच्छा ठीक है और सब बढ़िया कपड़े उपड़े रख लिए मास्क तो हटा लो घर पे गुंडे कपड़े उपड़े हाँ सब रख लिए अच्छा यहाँ अच्छा है डेली आईसीयू में जाना पड़ता है अच्छा एक्सपोजर आज गई थी आज पहला दिन था ना
दूसरा। अच्छा कितनी जल्दी दूसरा दिन हो गया बता, कल तो गई है तू यहाँ से। अच्छा रचित भी आने वाला है अभी, उससे मेरी बात हुई थी। चलो ठीक है तो खाना बना लेती हूँ मैं, थोड़ा सा रह रहा है। कितने दिन बाद मिलेगी? अभी तो मिली थी जन्मदिन मम्मा के। ओ मैं सोची तू तो सोचती ही बहुत है। मेरा पापर है। पापर है? ये तो कुछ भी बोलती है पता ही है तुझे। बोल रहा है पापर। ठीक है पापर तेरा, देख लेंगे कैसा देख। इको का पापर है। मैच कितनी देर का है? फर्स्ट इनिंग्स के दो ओवर रहते हैं। अच्छा तो मैं यहाँ पे बैठ के शोर मत कर, उसके बाद दहा नहीं कर रहे, उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरी इनिंग शुरू। अच्छा खाना बना दूं जब तक? बना देना, 9 बजे बनाते हो? नहीं मैं बना ही रही हूँ बस अभी, वो तो तू आ गई तो मैं तेरे से बात करने लगी, अभी बना नहीं जा रही थी। ठीक है तो भाई अभी तो ना मैं भिंडी काट रही हूँ क्योंकि मेरे को वेट करना है रचित का, तो मैंने सोचा वेट भी हो जाएगा और भिंडी भी कट जाएगी सुबह के लिए, क्योंकि भिंडी सुबह कटती नहीं है ना टाइम पे वो बनती है, तो इनको भी काटूंगी और वेट भी करूंगी रचित का। तो देखती हूँ कितने बजे आएगा, अभी 10 बजे हैं, पता नहीं कितने बजे आएगा। तो ये मैंने भिंडी धो रखी है और भाई काट लेते हैं चलो। तो गाइस ये देख लो स्वाती को बिना खाना खाए सो गई है, मैंने इसको इतनी बार बोला खाना खा ले, 5 मिनट का नाम लिया था और अब इतनी गहरी नींद में है अब तो ये कि मैं उठा ही नहीं रही इसको। उठा दो नहीं तो बोल लेगी कि मुझे रोटी नहीं दी। क्या उठा दो फिर बोल लेगी मुझे रोटी नहीं? मैं नहीं उठा रही भाई नींद में, जब ये उठे ना इसकी रोटी बनी रखी है। ठीक है बोल दी उसको खा ले क्योंकि गहरी नींद में है बिल्कुल। ठीक है मच्छर लड़ रहा था, सोने दे। ये ले ड्रैगन ले आई हूँ, 3 लगा रही हूँ आज, मच्छर ज्यादा है, फिर बल्ले से मारूंगी थोड़ा बेहोश हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे लगाती हूँ मैं इसमें जुगाड़, सही अटक जाती है यहाँ पे। और ये देखो स्वाती की रोटी रखी है और ये सब्जी रखी है, तो इसको उठाऊंगी खैर अभी थोड़ी देर में। तो भाई देख रहे हो खाना बना रखा फिर भी नहीं खाया और फिर बोलेगी कि खाना नहीं दिया मुझे, तो अभी मैं क्या करूँ चीनू, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है। तेरी तो बातें ही खत्म नहीं होती। आई डोंट नो पर टाइम मुंह में पेंसिल होती है तेरे, इतनी बार कह रखा मुंह में पेंसिल मत लगाया कर, ढंग से अपना याद कर लिए। कल आखिरी पेपर है तेरा मुझे पता है, पूरी रात जग लिए ठीक है और कोई काम नहीं है तुझे, अपना पढ़ ले। भूख लगी है पर क्या खाएगी बोल, दूध लाऊं? मैगी तो मैं बनाऊंगी नहीं किसी भी हाल में, खा लूंगी मैं खुद बना के। देख लूंगी मैं, मेरे को पता चल जाएगा। बर्तन धो के अच्छा सयानी तेरे धोए हुए अलग दिखेंगे मुझे, उसको पूछ के नीचे रख दूंगी। कोई नहीं मैं अपने तरीके से रखूंगी उसको, मुझे पता लग जाएगा, पहले देख लूंगी कैसे रखा। देख लो चीनू कितनी चालाक है, समझ रहे हो ना गाइस सारी बातें इसकी, चालाक बहुत बनती है और इसने बहुत बार ऐसा किया है कि खा के बर्तन को धो के रख देगी लेकिन फिर भी ना स्मेल आती है मुझे, तो स्मेल को कैसे हटाएगी? चिमनी चला दूंगा। तो चिमनी और परफ्यूम मार दूंगा। और दिन चिमनी नहीं चलाती थी, परफ्यूम भी लगाएगी तो किचन में लगा मत दिए और स्प्रे मत कर दिए वहां पे, सिलेंडर होता है उधर, अब ये पागल हो जाएगी बिल्कुल, मतलब ऐसे हो जाती है बिल्कुल जैसे पागल 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 की माँ। फिर भी पागल तो तू ही रहेगी, मैं तो फिर भी माँ ही रही। तो भाई मैंने मशीन भी लगा रखी है, 1 मिनट बचा है अभी और ये बंद होने वाले, तो मेरा सारा काम हो गया है और अभी भी मेरे को थोड़ा वेट करना होगा पर रचित के लिए। तो गाइज जिसने किया है फर्स्ट कमेंट उसका नाम है नीलाक्षी चौहान, और गाइज मेरा सारा काम हो गया है और मैं बस रचित का वेट कर रही हूँ कि रचित आ जाए जल्दी से, फिर सोएंगे क्योंकि सुबह उठना है जल्दी क्योंकि चीनू का कल है फाइनल एग्जाम। तो भाई देखती हूँ कल का एग्जाम कैसा होगा चीनू का, क्योंकि उसको पैर में चोट भी लगी है फिर भी अपना काम कर रही है, तो देखते हैं कल कैसी तैयारी रहेगी चीनू की। कौन है चीनू? आई गई सुन के कि मम्मी मेरी क्या क्या बुराइयां कर रही है, ऐसे सुन के आई है चीनू। तो इधर आ जाना, उधर कहाँ जाके बोल रही, इधर आके बोल। पैर से दर्द है, मैं बहुत देर से बैठी थी 3 घंटे से। अच्छा चल ठीक है, तो गाइज चलो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड और सुबह मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइज, टेक केयर, मिलते हैं सुबह चीनू के साथ।